जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है सबको? अस्सलाम वालेकुम। और सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब क्या हो गया अशरफी साहब? मौसम भाई अस्सलाम वालेकुम। वो मसरूफ है, डिस्टर्ब कर दिया सारस, वो मोबाइल में लगे हुए थे, डिस्टर्ब कर दिया फजूल का। करीम भाई अस्सलाम वालेकुम, अच्छा आज जो हम बना रहे हैं बहुत अच्छा जबरदस्त सा मीठा बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं डबल का मीठा, हैदराबादी मीठा। अच्छा डबल का मीठा, आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा डबल का मीठा, डबल डबल होता है ना, डबल का मीठा, इसका मतलब क्या है? आप बताए, आप दोनों से सवाल है, जब तक मैं फ्राई डबल का मीठा मतलब बहुत मीठा। सुने एक सवाल, आप तो ट्रैफिक अपडेट्स माशाल्लाह दिया करते थे, तो उसमें डबल ए इसका क्या मतलब है? डबल ए? हाँ वो मैं उसका तो मुझे पता, जब मैं बसों में बहुत सफर किया है मैंने, तो उसमें वो कंडक्टर कहता डबल ए डबल ए डबल ए, पता नहीं मतलब क्या होता है ये वाला। नहीं नहीं, जा रहे थे। देखिए बसों में तो हमने भी सफर किया है, वो डबल डबल दूसरा था, ये डबल का मीठा ये मेरा था यार, ये आपने इसमें क्यों डाला? थोड़ी बस सॉरी, मुझे लेना पड़ा क्योंकि ये गर्म तेल है, तो बस आप इसे फ्राई कर लीजिएगा ना थोड़ी सी देर, बस थोड़ी सी देर। अच्छा तो डबल का मीठा आपसे सवाल था, जब तक मैं अपना काम करती हूँ मैं, ये जो पीसी डबल का एक होता है मीठा, एक होता है इंतहाई मीठा, जो इंतहाई मीठा होता है वो डबल है, डबल। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप बताएं तो बता और ये डबल रोटी होती है ना, ये ब्रेड होती है वो डबल, और मीठा करेंगे तो डबल का मीठा। ये भी डबल रोटी नहीं होती, सिंगल है। और अगर ये ऐसा ही है तो डबल हो गई, तो डबल रोटी का मीठा कहने में क्या कयामत आ रही थी? नहीं, इसका नाम है, हर डिश का एक नाम होता है, अपना नाम होता है, इसका नाम है। ये नाम ये हैदराबादी, जैसे कच्चे गोश्त की बिरयानी, वो कच्चा गोश्त होता है इसके अंदर? नहीं होता, पका हुआ गोश्त होता है, लेकिन क्या होता है इसका नाम? कच्चे गोश्त की बिरयानी। किसने कहा इसका नाम कच्चा गोश्त? तो ये हैदराबादी डिश है, मेरा तो कसूर नहीं है। नाम बदलने चाहिए, तो नाम बदले भाई, अगर ये गलती हो गई है तो उसको ठीक करें। बिहारी बोटी में आपको बिहार नजर आता है? हाँ, लेकिन वो बिहार में बनती दिखता है आपको? नहीं, ओरिजिन बिहार से था ना यार, वो हमारे किचन में भी बनती है यार, भी कहाँ बेस्ट है, ओरिजिन तो बिहार से था ना उसका, कमाल है। छोड़े इनको, हैदराबादी डबल का मीठा बन रहा है, इसका नाम डबल का मीठा है भाई, मैं क्यों चेंज करूं इसका नाम? मैं नहीं चेंज कर रही हूं। आप नहीं खेल रहे? हम नहीं खेल रहे, हम बॉक्स खेल रहे हैं। अच्छा आपके सब रोजों के जो ये है, नहीं हम जब नहीं खेलते हम खेलने देते भी नहीं है, ये नहीं मतलब। तो मैं क्या करूं, मैं जाऊं? आप कोशिश करें बस के बनाए। मैं चली जाऊंगी, फिर आपने कंप्लीट करना होगा, हमसे खेलवा सकते हैं इसको डबल का। मैं वहां बैठ जाऊंगी, आपने कंप्लीट करना। और ये हाथ में नहीं लेते, चिपक जाते हैं हाथ में। क्या जलता हुआ कोयला हाथ में ले लिया मैंने, क्या हो गया? ये चांदी के वर्ग है, चिपक देगा, चिपक गया ना, कहा था ना आपको मैंने, चांदी मेरे हाथों से चिपक गई। अच्छा भाई, हाँ इसको ऐसे ही कागज के थ्रू ही डालते हैं, इसको ऐसे नहीं हाथ में लेते हैं। अच्छा ये डबल रोटी मेरे पास ब्रेड के पीसीज हैं, उसको मैंने इसके एजेस हैं जो इसके कोने, उसको काट कर चार पीस कर लिए। जितनी बड़ी आपके पास ब्रेड होगी, आपके पास डबल रोटी होगी, उसके बड़े बड़े पीसीज होंगे, मेरे पास दरमियाने साइज की थी तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से काट लिया। अब ऑयल में इसको, जैसा कि हमारे पास सोया सुप्रीम ऑयल है, वैसे तो घी में फ्राई करते हैं, बिल्कुल सोया सुप्रीम ऑयल की खास बात बता दूं कि मीठा भी बना ले तो भी लाजवाब है। मैं कहते थे पहले, कहते थे यूएचटी का मतलब क्या है, अब मुझे फ्राई करने थे, मैं बाद में बताऊंगी आपको। बड़े मुश्किल सवाल, आप बता दीजिए। मुझे वो काट दिया नहीं था। अच्छा तो इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन इसको फ्राई करेंगे। आपकी सब ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूं? हो गया, ये भी हो गया आपका। मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ, गोला कबाब इसके अंदर डालू? क्या हो रहा है आज मेरे साथ, क्या हो रहा है? कसम खाई हुई है ये तो आप सब रोज का आपका काम था, सब रोज मेरा काम नहीं था, वो आपका काम था। सब रोजों के ये गोला कबाब है और बहुत अच्छे हैं, आपको पता है आपकी इफ्तार को आप शानदार बनाए, बहुत आसान यार बनाए। मैं ऑन एयर सब रोजों वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे लिए आप अलग से भिजवाएं किसी स्पेशल इफ्तार, यहाँ ये सब खा जाते हैं, हमें कोई नहीं खाने देता। हाँ। ये आप लोग जरा मेहरबानी। मैं तो उनको कहती हूँ मुझे 15-20 का पैकेट तो भिजवाएं, मैं इनको ये कह रही हूँ। चलो अब बताएं 15-20 पैकेट, हमने एक दिन का इफ्तार आपसे रखा है उन्होंने। देखो जब मांगना चाहिए तो ज्यादा मांगना चाहिए, आप कम मांगेंगे तब भी बोला मांगा, ज्यादा मांगेंगे तब भी बोला मांगा, तो ज्यादा क्यों ना मांगे। चलो कंटेनर भिजवा दें। आप ये देखिए मुस्लिम साहब, आज आपकी एंट्री करवाने के लिए पूरी एक साजिश रची गई। नहीं, नहीं, ये नहीं, तेल गरम किया गया था ये बनाने के लिए, जो कबाब गोला कबाब आप तल रहे हैं इसमें, वहां से आके मुदाखलत करते हुए। नहीं नहीं, मैंने मुदाखलत नहीं की, मैं क्या करूं, अल्लाह ये सारे इल्जाम मुझ पे क्यों आ जाते हैं, मुझे बिचारी पर। आप इतनी डिफेंसिव क्यों हो जाती हैं यार, आप बोले हां भाई ठीक है भाई मैं चाहती है, वैसे मैंने आप समय देना शुरू किया, मैंने आना यहां 10 मिनट के लिए और ये लड़ाई झगड़े ही नहीं खत्म होते किसी के। इस चूल्हे को बंद कर दूं, इसका मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया, उसको निकालूंगी और झटपट ये जल्दी जल्दी बन जाएगा। उस चूल्हे पे वो मेरी छोटी पतीली तो रख दें, हाँ इसमें रख दें, ठीक है थोड़ा तो काम कर लें, कुछ भी काम नहीं करते। जब मैं नहीं थी तो पूरे किचन का काम हो रहा था, मैं देख रही थी, मैं सब देख रही थी,
सारा काम हो रहा था, बड़े अच्छे तरीके से हो रहा था। ठीक है, सारे डाल देना, और इसके अंदर मैं दूध शामिल करूंगी, क्योंकि डबल का मीठा के लिए हमारा जो है हमने डबल रोटी के पीसीज है, ब्रेड के पीसीज है, वो फ्राई कर लिए बहुत अच्छी तरीके से, और तकरीबन मैं यहाँ पर एक कप के बराबर दूध शामिल करूंगी। कैसा? ये फ्राई हो चुके हैं, दूध शामिल कर रही हूँ, अभी दूध बन रहा है, और शीरा बनाने के मैं आपको बहुत आसान से तरकीब बता दूँ। दूध तो मौजूद है ऑलरेडी। क्या आपका दूध बन रहा है? नहीं, मैं बनाऊंगी ना, दूध डाला है, बाकी चीजें बनाऊंगी ना, जो इसका जो मावा बनेगा, दूध से जो मावा बनता है वो किस तरह से बनता है, तो डबल के मीठे में। अच्छा, ये मेरे पास शीरा मौजूद है, यहाँ पर देखिए शीरा है, ये कितना गाढ़ा मेरे पास ये शीरा है। शीरे का बनाने का बहुत आसान तरीका है, जो आप किसी भी मिठाई के लिए शीरा बनाते हैं, गुलाब जामुन के लिए शीरा बनाते हैं, सबसे आसान तरीका ये है कि 2 कप आपके पास पानी होना चाहिए, 2 कप आपके पास चीनी होनी चाहिए, उसको उबाल ले अच्छी तरीके से, 5 से 7 मिनट आपका शीरा तैयार। वरना इस तरह से होता था, जो शाही टुकड़े होते ना भाई, उनको डबल करने की बजाय सिंगल कर दिया उन्होंने, और हमें अभी बता रही है। अरे शाही टुकड़े बिल्कुल दूध में बनते हैं, डबल का मीठा है, ये चीज वही है, शाही टुकड़े ही है, वही है ना, चेंज है। हाँ, उस रेसिपी का नाम है भाई डबल का मीठा। आपको पता है पहले जमाने में शादियों में यही वाली जो डिश होती थी, स्वीट डिश में ये होती थी। अच्छा, अब आ गए तो ना वो शादी है ना वो डिश है। हाँ, वो डिश है, अब वो मजा उबल गया है दूध। तो इसके अंदर हम ये डाल देंगे मिल्क पाउडर, आपको थोड़ी मेरी हेल्प करनी होगी, मिल्क पाउडर इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। यार मिल्क में मिल्क पाउडर डालने की क्या, गाढ़ा हो जाता है एक्स्ट्रा। आपको पता है ना दूध वाले कितने पानी मिलाते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं, तो कौन अभी इतनी अब इसमें मैं डालूंगी। ये बहुत अच्छा डबल का मीठा बन रहा है, इलायची पाउडर, कुछ आवाजें आई ऊपर से, और ये मेरे पास है वेनिला एसेंस, और इसके अंदर मैं शामिल करने वाली हूँ पिस्ता और बादाम। क्या बादाम? ये उबल रहा है, बादाम नहीं बोला, बादाम। आप तो बादामी है ना, बादामी कहाँ है? यही वाला बादामी हूँ भाई मैं। ये बादाम, ठीक है, मेरी बहुत सारी सहेलियां जो ना वो बोलती है बादाम। ने लोगों को धोखा दिया। क्या शाही टुकड़े आधे आधे करके डबल का नाम दे दिया। नहीं, मैं धोखा नहीं दिया, ये सचमुच की रेसिपी है। मैं क्या करूं बताएं, इनको कौन समझाए? मेरे तो आप ही दोस्त हैं, आप तो दुश्मन बन जाते हैं इस सेगमेंट में आके। हाँ, सेगमेंट से पहले दोस्त बने हुए होते हैं, सेगमेंट के बाद दोस्त बने हुए होते हैं। और लो, जब मैं आपको कहती हूँ कुछ बनाए, देखिए मेरी आवाज निकल रही, फिर भी मैं बोल रही हूँ, क्या हुआ डालिया तो बजा ले इस बात पे, नाराज जबरदस्ती की बजवाती। हाँ। किसी भी बात पे बजाओ तालियां। हाँ। ठीक है, हमारा दूध तैयार हो रहा है, और साथ साथ जो है ये इसको जरा घुमाए ना, घुमाए फिराए बेचारे को, शेयर करवाए आप अंदर। अच्छा, डबल के मीठे में शीरा मैंने बनाया था, मैंने आपको बता दिया था शीरा, इसको आपने डबल रोटी के पीसेस के ऊपर शीरा आपने डालना है अच्छी तरह से, इसके अंदर जज्ब हो जाएंगे। अब आपने मुझे जाते हुए बताना है कि इसमें और शाही टुकड़े में फर्क क्या है। मैं बिल्कुल आपको अभी बता देती हूँ। शाही टुकड़े को ये हमने डीप फ्राई किया है, शाही टुकड़े के ब्रेड के पीसेस को हमने बहुत शैलो फ्राई करना था, लाइट फ्राई करना था, थोड़ा सा कम फ्राई, और दूध में हाँ फर्क है इसके अंदर, और शीरा नहीं होता, शाही टुकड़े में शीरा बिल्कुल भी नहीं होता, डबल के मीठे में शीरा होता है, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, मैंने इसके अंदर डाल दिया दूध, हमारा गाढ़ा हो गया। हाँ जी, गाढ़ा हो चुका है, ये मैं साइड कर देती हूँ, सारी चीजें जो बन चुकी है उसको मैं साइड कर देती हूँ, और आपके ये तैयार हो रहे हैं। बताएं, लाएं इसको, थोड़ा सा गाढ़ा करना है। हाँ, ये देखें, ये रबड़ी की तरह ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और गाढ़ा कर ले, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा खोया शामिल करूंगी, बिल्कुल ये गाढ़ा हो जाता है, जैसे आपको लगता है कि रबड़ी है इस तरह से ये हो जाता है, हमने इसमें थोड़ा सा खोया शामिल कर लिया। और तो रबड़ी जैसा ही बनाना है तो रबड़ी बना ले, तो रबड़ी को तो टाइम लगता है ना पकाने में, दूध को ही पकाना होता है। अच्छा। जैसे दूध साइडों से जल रहा है पकाने में, आप 2 मिनट पका लेते हैं। तो रबड़ी को तो टाइम लगता है। अच्छा। मैं कितनी मुश्किलों से सर्च करती हूँ रेसिपी, आपको आप अगर मेरी जगह पे होते ना आप परेशान हो जाते कि इतनी मिनट में क्या बन जाएगा, कौन सी आसान रेसिपी है। हम भी आपकी जगह पे होते परेशान हो जाते हैं, आप के पास होते परेशान की थी ना, आपको पता लग गया, कुकिंग तो बहरहाल आपने की थी, लेकिन आप टाइम पता तो लग गया ना किस तरह मुश्किल होता है इतने कम टाइमिंग में कुकिंग करना, बहुत मुश्किल होता है। कुकिंग कर ली थी वरना सारी जिंदगी ये ताना पड़ता रहता है, एक दिन मैं नहीं आई तब कुछ नहीं हो सका। हाँ, खड़ी कढ़ाई ना, क्या नाम था उसका, खड़ी कढ़ाई, खड़े कलम एक बैठी हुई कढ़ाई भी बनाते हैं। ये क्या उदास कढ़ाई ना बनाए, इलेक्शन का टाइम है ना, सब इलेक्शन में खड़े होना, खड़ी कढ़ाई बनाए, नाराज कढ़ाई, लड़ाकू कढ़ाई, और चुप कढ़ाई, आप ये भी निकाल देना, सैरो तफरी इतनी करवाते हैं ये सारे खानों को, बेचारा ये हमारा
ये देखें, मैंने ये रबड़ी बनाई थी, टूटा हुआ पाया गया, ये टूट गया, कोई बात नहीं, देखिए मेरी बात सुने, एक टूट गया, मैं आपकी साइड ले लूं, जब खाएंगे भी तो टूट जाएगा, टूट के ही खाएं तो क्या हुआ, पेट में जैसा भी सभी जाएगा, नहीं ना कोई बात नहीं, होगी बात कवर, मेरे काम करते हैं, इसको तोड़ देना है, ये इसको तोड़ देना, नहीं 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 क्यों भाई, सबत सबत जाएगा, वो तो मैंने ऐसी दोस्ती निभाई थी ना, दोस्ती भी तो निभानी चाहिए, आपको पता नहीं है, टिश्यू और ठीक है, ये हो गया, और इस पे पिस्ता, बादाम डालू नहीं डालू, डालू डालू ना, पसंद है ना बादाम, बादाम किसको पसंद है, सबको पसंद है भाई, और बादामी साहब किसको पसंद है, तालियां बजा दे बादामी साहब के लिए जरा, कितनी देखा, कितनी मोहब्बत करते लोग आप, आप नाराज हो रहे थे, आप फजूल में मुझसे नाराज हो रहे थे कि बादाम डाल रही हैं आप, ये बहुत ऑयल है लेकिन इसमें, हो गया, अच्छा मेरी तो डिश तैयार हो गई, ये डबल का मीठा, अब बताएं कहीं से शाही टुकड़े नजर आ रहे हैं आपको, कितना फर्क है शाही टुकड़े में डबल के मीठे में, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है शाही टुकड़े, ये डबल का मीठा, निकालो भाई वो निकालो जल्दी से, ये हो गया हमारा, मेरी डिश तो भाई तैयार हो गई, मेरे तो अपने, मेरी तो आदत है, मैं तो ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, फटाफट खाना बना के मैं चली जाती हूँ, वेरी गुड, फजूल की तो आदत ही नहीं है, आपको बताया, आप तो जानते हैं मुझे, चार साल, हां हां अल्लाह माफ करे, हंस रहे हैं सब, जाहिर है तेरी, झूठ झूठ रमजान में तारीफ कर देता है, इनका हंसना और हमारा रोना ही बनता है इस बात पे भाई, कंट्रोल रूम कह रहा है वैसे, मैंने कच्चे पक्के टूटे हुए फ्राई किए, भाई टाइम नहीं है ना, क्या करूं मैं, आज आपकी दानिश भाई है नहीं आपके पास, गार्निश की चीजें नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत टूटे हुए कोई बात नहीं है, खाएंगे तब भी टूट ही जाएंगे, तो हमारे डबल का मीठा और मेरे ये शाही टुकड़े तैयार है, और तालियां जोरदार होनी चाहिए इस बात पे, चलो भाई अश्विनी साहब, ये क्यों हंस रहे, बस मैं ब्रेक के बाद बात करता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं।